9 बोला जा रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 4, 9 एंड 10। वह कौन सा स्क्वायर नंबर है जिस नंबर को 4 भी एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, 9 भी करेगा और 10 भी करेगा। देन इसको फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम ना 4, 9, 10 का एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। लिखेंगे एट फर्स्ट वी फाइंड द एलसीएम ऑफ 4, 9 एंड 10। 4, 9 और 10 का जो हमारा एलसीएम होगा, देखिए 2, 2 जा, ये तो नहीं कटेगा ना, ये 2, 5 जा। अब ये भी सेपरेट है, ये भी सेपरेट है, ये भी सेपरेट, तीनों को ना कोई भी नंबर डिवाइड नहीं कर सकता है। दैट मीन्स एलसीएम जो हमारा हो जाएगा वो 2 × 2 × 9 × 5 होगा। मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास नंबर आएगा 180। अब जो हमारे एलसीएम 180 आया ना, अब इस 180 को हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे। देन 180 का प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। ये हमारा हो जाएगा पहले 2 से तो 290, फिर 2 से 45, फिर 3 से 15, फिर 3 से 5 एंड एट लास्ट 5, 1 जा 5। हम यहाँ पर लिखेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन कॉमा वी गेट 180 इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 3 × 5। अब यहाँ देख रहे हैं ना कि 2 का पेयर मिल रहा है, 3 का पेयर मिल रहा है, लेकिन 5 का पेयर नहीं मिल रहा है। तो अगर इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ना, तो 5 का पेयर बनाने के लिए 5 से एक बार मल्टीप्लाई करना होगा टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 5। देन हमारा नंबर क्या हो जाएगा, तो हैंस रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 180 हमारा आया था एलसीएम ना, तो 180 में मल्टीप्लाई करेंगे 5, तब हमारा जाकर के एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। दैट मीन्स हो जाएगा आंसर हमारा 900, और ये हमारा हो गया आंसर।